नेक्सन क्रेटा सेल्टोस टाइगन, क्या आप भी ये सब कार में से एक कार लेने के लिए सोच रहे हैं? तो ये वीडियो पूरा देखो क्योंकि आ चुका है न्यू रेनो डस्टर जो कि लॉन्च होने वाला है अपने इंडिया में बड़े जल्दी ही। इस वीडियो में ऑल न्यू रेनो डस्टर के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि जब लॉन्च हो जाएगा रियल में तब आपको पूरा फुल वीडियो डिटेल्स में यही मिल जाएगा। अभी मार्केट में काफी सारा कंपटीटर सेम सेगमेंट वाला कार जिसको कड़ी टक्कर देने के लिए आ चुका है और काफी अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ, और आपको साथ ही साथ काफी ज्यादा इंजन ऑप्शन भी इसमें देखने मिलेगा। फ्रंट में DRL जो कि कनेक्टेड DRL। लुक वाइज आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अभी देखते हैं फिलहाल रियल में कैसा आएगा लुक इंडिया में। जो भी कुछ लीकेज के अनुसार मुझे पता है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। ओवरऑल इस कार में आपको काफी ज्यादा फीचर्स जैसे कि वॉइस सेट, LED DRL देखने के लिए मिल जाता है जो कि कनेक्टेड DRL कहते हैं। ये देखिए कनेक्टेड DRL सभी कंपनी अपने कार में लेके दे रहे हैं। यहाँ पे रूफ रेल्स कुछ ऐसा ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए स्पोर्टियर के लिए लुक्स ओवरऑल देखिए। ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट होने जा रहा है ये कार आप लोगों के लिए। तो गाड़ी लेने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, वेट करना है ना नहीं है। ओवरऑल लुक्स वाइज रियर प्रोफाइल देखिए काफी ज्यादा खूबसूरत, जो टेल लैंप है एग्रेसिव डिजाइन के साथ लगेगा आपको LED में। ऑल न्यू रेनो डस्टर में आपको काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा जो कि है 217 mm का। चलिए इंटीरियर में 10.1 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, 7 इंच का MID। और इंटीरियर का लुक्स देखिए काफी ज्यादा लेटेस्ट एंड अच्छा लग रहा है देखने में। साथ में आपको साइड में कुछ ऐसा फोन होल्डर्स देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऑल ऑटोमेटिक AC टाइप सी पोर्ट, जो हीटेड सीट एंड वेंटिलेटेड सीट का फीचर्स मिल जाएगा, जो कि सीट होगा आपका लेदर, फुली लेदर में सीट का आप कटिंग देखिए काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। सेफ्टी वाइज में अगर देखेगा तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, एडास लेवल 2 एंड 360 कैमरा जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। इंजन ऑप्शन पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड मिल जाएगा जो कि आपको 4x4 इंजन ऑप्शन भी ऑफर किया गया है। अगर आप लोग भी इस साल कार लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और एक बार लॉन्च टाइम के लिए, क्योंकि 2025 यानी 2024 एंड तक ये कार लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। काफी ज्यादा इंजन ऑप्शंस एंड फीचर्स लोडेड होके आ रहा है डासिया रेनो, जो कि रेनो का ही सब ब्रांड है। जैसे कि आप सबको पता है रेनो के सबसे ज्यादा चलने वाला गाड़ी एक ही था डस्टर, और वो बंद जब से हुआ है तब से रेनो फिर भी अपना मार्केट बनाए रखा है। फिर से जो न्यू डस्टर आ रहा है मार्केट में तो ये इस बार क्या धूम मचाएंगे। LED हेडलैम्प जिसका फोकस विजिबिलिटी काफी ज्यादा क्लियर होने वाला है। फ्रंट से ये गाड़ी और भी ज्यादा एग्रेसिव लगेगा। यहाँ पे भी DRL दे दिया गया है आपको है। फ्रंट में ये देखिए सेंसर्स जो कि फ्रंट सेंसर्स, ग्रिल, स्किड प्लेट फ्रंट का बॉडी कलर के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। कलर ऑप्शन भी काफी ज्यादा आपको मिल जाएगा जैसे कि ग्रे, व्हाइट, सिल्वर एंड ब्लैक कुछ ऐसा। टायर साइज होने वाला है 18 इंच का जो कि काफी ज्यादा अच्छा होगा ऑफ रोडिंग के लिए। डायमंड कट एलॉयज के साथ जो कि ब्लैक एंड सिल्वर कलर टच के साथ। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाला है ये कार। आप देख सकते हैं काफी बड़ा टायर, आपको काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस सब कुछ इस डस्टर में मिलने वाला है। तो इस बात की देरी, बस थोड़ा वेट कीजिए और अपने पसंदीदा हाइब्रिड में या आपको 4x4 में चाहिए वो भी मिल जाएगा। ORVM विद टर्न इंडिकेटर LED में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा गाड़ी। ओवरऑल लुक्स आगे से बोलो, पीछे से बोलो, साइड प्रोफाइल सब जगह से काफी ज्यादा प्रीमियम और एग्रेसिव लग रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट में नेक्स्ट आप लोगों को कौन सा गाड़ी के बारे में या बाइक के बारे में या स्कूटी के बारे में वीडियो चाहिए। मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के कमेंट के हिसाब से बड़े जल्दी ही बना के ला देता हूँ। सो चैनल में न्यू है तो एक सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और आपका क्या राय है ऑल न्यू जो डस्टर के बारे में,
और आपको ये डस्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, पुराना वाला डस्टर ज़्यादा बेटर था मेरे हिसाब से। पुराना डस्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए अपना मार्केट अभी तक पकड़ा हुआ रहा था। लेकिन रेनो का एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि पार्ट्स इतना अवेलेबल नहीं मिल रहा था, मेन चीज़ यही देखने के लिए मिल रहा था। ऑल न्यू रेनो डस्टर में फीचर्स लाइक आपको वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। और इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं जिसमें बीच में इंडिया में आने के बाद रेनो का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम का UI काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले एंड नेविगेशन जैसे इनबिल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल का फीचर्स मिल जाएगा जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल AC देखने के लिए मिलेगा। आपको साइड साइड में डस्टर की बेजिंग देखने के लिए मिलता है, जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हिल असिस्ट कंट्रोल्स और होल्ड वगैरह का फीचर्स मिल जाता है। जो बीच का कंसोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको खूबसूरत लगेगा। रेयर प्रोफाइल में आपको 3 हेडरेस्ट डिनुई एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाता है। जो बूट स्पेस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, सीट आपको 60x40 स्प्लिट देखने के लिए मिल जाएगा। बूट स्पेस 472 लीटर का मिलता है। जी देखिए, वायरलेस चार्जर, ऑटो होल्ड, 6 एयरबैग्स का फीचर्स, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट,